नमस्कार दोस्तों, रेसिपी फॉर यू में आप सबका स्वागत है। तो मैं आ गई हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। तो आज फिर एक नई रेसिपी के साथ मैं आ गई हूँ फिर से अच्छा सा लजीज नाश्ता बनाने। तो चलिए बिना वक्त गवाए चलते हैं हमारी नई रेसिपी की तरफ। इसके लिए हमें चाहिए सूजी और दही, दोनों को मैंने पहले से ही मिक्स कर 15 मिनट तक रख लिया था और इसका बैटर तैयार कर लिया था। अब हम इसके साथ थोड़े से वेजिटेबल्स को भी ऐड करेंगे। तो इसके साथ मैंने यहाँ पर करीब 2 टमाटर अच्छे से चॉप किए हुए, प्याज, धनिया और हरी मिर्च को लिया है। साथ में मैंने यहाँ आलू की पेस्ट को भी लिया है, साथ में चिली फ्लेक्स और पीसा हुआ जीरा भी लिया है। सबसे पहले हम हमारा बैटर वाला बाउल लेंगे, इसमें थोड़ा सा नमक, जीरा और हमारी सारी सब्जियों को ऐड कर लेंगे। साथ में चिली फ्लेक्स को भी ऐड कर लेंगे। इसे अच्छे से मिला ले। बैटर को थोड़ा सा पतला रखना है। इसके लिए हम यहाँ पानी का थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे और बैटर को थोड़ा सा पतला बनाएंगे। अब गैस पर तवे को लगाएं और ऊपर थोड़ा सा तेल फैला लें। तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए तब हम इसमें हमारा तैयार किया हुआ बैटर को करीब एक छोटी सी कटोरी जितना फैला लेंगे और इसे हम करीब 5 मिनट तक पकाएंगे। 5 मिनट बाद हम साइड को पलट लेंगे और इसे भी करीब 4-5 मिनट तक पकाएंगे। तो लीजिए, तैयार है घर में बनाए हुए उत्तपम। आप इसे सवेरे के नाश्ते में या फिर शाम के नाश्ते में आराम से खा सकते हैं। इसे बनाना बिल्कुल आसान है, इसलिए इस रेसिपी को घर पर जरूर ट्राई करना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मैं मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बी हेल्दी एंड कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।